बांदा बिसंडा अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष व सपा के मुखिया माननीय अखिलेश यादव के आह्वान में आज बिसंडा में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा अशोक यादव, पुरुषोत्तम यादव, अजय श्रीवास की अगुवाई में बिसंडा चौराहे पर तय समय में रैली निकाली और किसान बिल का विरोध करते हुए किसान विरोधी विधेयक बताते हुए कहा, ये बिल किसान विरोधी है जो पूरी तरह से किसान की कमर तोड़ देगा। अतः सरकार से मांग करते हुए कहा, ये बिल तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। विरोध प्रदर्शन में रामानुज यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी अवधेश यादव, कंचन कुशवाहा, राहुल सिंह कौर शामिल हुए। जी क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव, पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बिसंडा। यहाँ पर आप लोग किस प्रकार का धरना प्रदर्शन करने आए हैं, किन किन चीजों पर मांग है आपकी? हम ये जो किसानों के खिलाफ काला कानून केंद्र की सरकार ने बनाया है, हम उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने आए हैं कि जब एक व्यापारी अपने नमक का, अपने दाल का, अपने मिर्च का मूल्य तय कर सकता है तो क्या किसान अपने अनाज का, अपने दूध का मूल्य नहीं तय कर सकता? ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, इसलिए इस सरकार के खिलाफ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया था, उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे ये हैं कि जो ये काला कानून लागू किया है इसको सर्वप्रथम पहले तो ये वापस ले, किसानों के ऊपर जो अन्याय कर रहे हैं ये लोग वो बंद कर दे। इसके साथ साथ हमारी पार्टी के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के पक्ष में, तो ये लोग उनको सुबह से लेकर के अभी तक हम देख रहे हैं कि घरों से उठा उठा के बंद कर दिए हैं। क्या कानून, यही कानून है कि मतलब कोई व्यक्ति विरोध करे सरकार का तो विरोध न कर पाए? पक्ष विपक्ष दो पक्ष होते हैं, विपक्ष का काम है कि सरकार की नाकामियों को उजागर करना, लेकिन ये सरकार किसी व्यक्ति को अपनी नाकामियों को उजागर नहीं करने दे रही है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं, तब तक लड़ेंगे जब तक किसानों का काम ये सरकार स्वीकार नहीं करेगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। इंडियन टाइम न्यूज से संवाददाता उमेश कुमार यादव की रिपोर्ट।